गाइज आज की इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत करता हूं। अगर आप लोगों ने रिंग एप्लीकेशन से लोन ले रखा है तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर आप लोगों ने रिंग एप्लीकेशन से लोन ले रखा है और अगर आप लोगों ने रिंग का लोन नहीं चुकाया है ड्यू टू हाई इंटरेस्ट या लेट फीस होने की वजह से बहुत सारा चार्ज हो गया उस सिचुएशन में, अगर आप लोगों ने लोन नहीं चुकाया है तो उस सिचुएशन में जो भी आपका बैंक अकाउंट कनेक्टेड था आपका रिंग एप्लीकेशन से, तो वहां से ऑटोमेटिक आपका पैसा कटने लगेगा, पूरा पैसा कट जाएगा। अगर आपके उस खाते में पैसे हैं तो गाइज बिल्कुल एक रुपया भी नहीं बचेगा, और अगर पैसा भी नहीं है तो भी आपका बैंक अकाउंट माइनस में हो जाएगा, यानी आपको पैसे चुकाने पड़ेंगे किसी भी कंडीशन में, कुछ भी हो कुछ भी नहीं हो। रिंग एप्लीकेशन है वो ऑटोमेटिक अपना पैसा निकाल लेगा, अगर आपके खाते में पैसे भी नहीं है तो भी वो माइनस कर देगा, और आपको बैंक को तो पैसे चुकाने पड़ेंगे 3 बार, वरना बैंक आपको घसीटते हुए ले जाएगा यहाँ से। और गाइस ये कितनी तारीख के बाद में होने वाला है? सो गाइज ऐसा एक बंदे ने मेरे को कमेंट किया था, इस वजह से मैं आप लोगों के सामने ये वीडियो लेके आया हूँ। और गाइज आप लोगों के पास अगर आप लोग फोन पे चलाते हैं गाइज, और आपने जो भी आपने रिंग एप्लीकेशन का लोन लिया था उसमें जो भी आपने बैंक अकाउंट बना के रखा था, और अगर आप उसी बैंक अकाउंट से अगर आपका फोन पे है तो बेशक आप लोगों ने फोन पे के अंदर ऑटोमेटिक एक पॉपअप देखा होगा जहाँ पे आपको जो भी रिंग एप्लीकेशन का जो पेमेंट करने के लिए बोला होगा गाइज, और बहुत सारे लोगों ने तो उसका पेमेंट कर भी दिया होगा गलती से बाय द मिस्टेक वहाँ पे क्लिक करके कि यार ऐसे होता क्या है, क्या पता पैसे आ रहे होंगे, बिकॉज बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं गाइज, एंड ऐसे में जो रिंग एप्लीकेशन वाले होते हैं उनका भी काम बन जाता है। तो ये रिंग एप्लीकेशन की ओर से बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ जा रहा है गाइज, कि बिना किसी परमिशन के फोन पे को नोटिफिकेशन भेजता है, रिक्वेस्ट भेजता है, जो भी आपका जो पेमेंट है, जो भी आपका इंटरेस्ट से लेकर जो भी आपका जो ओरिजिनल पेमेंट है, जो भी सारा मिला के जो भी पेमेंट आपको फोन पे के अंदर रिक्वेस्ट भेजा जाता है कि आप इस अमाउंट को पे कीजिए। सो गाइस कितनी तारीख के बाद में आपका क्या पेमेंट कटेगा, क्या होगा, इस वीडियो में आपको सारी चीज़ बताने वाला हूँ, इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा गाइस। आगे बढ़ने से पहले मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट चाहूँगा, हो सके तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर। गाइज मुझे पता है आप सभी लोगों के पास में भी बहुत सारे 99% लोग ऐसा है जो रिंग पे एप्लीकेशन को रिंग पे लेटर से आप लोगों ने लोन लिया और लोन को पे नहीं किया, बिकॉज मैंने भी पे नहीं किया था, बिकॉज गाइज वहाँ पे हाई इंटरेस्ट लगता है। एंड ऐसे में मेरे पास में अभी के टाइम में बहुत सारे मैसेज आते हैं कि आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो डाउन कर दिया जाएगा, कुछ कर दिया जाएगा, क्या कर दिया जाएगा, बहुत सारे लफड़े भेजे जाते हैं हमारे पास में नोटिफिकेशन पे। बहुत सारे लोगों को डर हो जाता है यार क्या करें क्या करें क्या नहीं करें, समझ में नहीं आता। इस वीडियो में हम आपको डिस्कस वाई करेंगे, एक भी स्टेप मिस मत करना। सबसे पहले बात आती है गाइज, आप लोगों ने रिंग एप्लीकेशन से लोन लिया कोई दिक्कत नहीं है, लोन पे नहीं किया बिकॉज वहाँ पे हाई इंटरेस्ट होता है गाइज, और हो ही रहा है। यहाँ पे देखिए लगभग 1 महीने का टाइम हुआ है, लगभग मेरे 900 ये कर दिया 900 लगभग 1300-1400 रुपये कर दिया गाइज 1 महीने के अंदर। अब मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा कौन सा लोन आ गया, कौन सा इंटरेस्ट लग गया भैया, ये कौन सा इंटरेस्ट लगने लग गया है। तो इस प्रकार से इंटरेस्ट लगता है तो कोई भी लोन पे नहीं करेगा। एंड मैं आप सभी से रिक्वेस्ट चाहूँगा, अगर आप लोगों को लग रहा है कि हमारे साथ में बहुत ज़्यादा लोन इंटरेस्ट हाई हो रहा है तो गाइज आपको लोन देने की आवश्यकता नहीं है, बिकॉज पर्सनल लोन होता है, पर्सनल लोन में आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं, आपका कुछ भी बाल बांका नहीं हो सकता, ओनली जो आपका जो क्रेडिट स्कोर वो डाउन होता है, और क्रेडिट स्कोर को आप अच्छा कर सकते हैं, होने चाहिए आपके अंदर क्वालिटी, ठीक है। अब बात आती है गाइज फोन पे के अंदर क्या लफड़ा है जो हमारे पास में आ रहा है कि ऑटोमेटिक पेमेंट करेगा या वहाँ पे कुछ नोटिफिकेशन आ रहा है, तो सबसे पहले आपको वहाँ पे करना क्या होगा गाइज, मेरे भी फोन पे के अंदर आया था, लेकिन आपको वहाँ पे डिसमिस कर देना है, वहाँ पे आपको पेमेंट नहीं करना है। वो आता है गाइज, एक रिक्वेस्ट आती है कि क्या आप इस पेमेंट को पे करना चाहते हैं, वहाँ पे आपको एक डिक्लाइन का मैसेज देखने को मिलता है। दो ऑप्शन आते हैं शायद, एक तो एक कंफर्म का आता है और एक डिक्लाइन का आता है, आपको डिक्लाइन वाले ऑप्शन पर क्लिक करके फिर कंफर्म करता है करना है उसके बाद में ऑटोमेटिक वो पॉपअप हट जाएगा। ध्यान रखिएगा आपको वहाँ पे UPI ID अगर आप लगाते हैं डायरेक्ट उस डिक्लाइन के, बाय द मिस्टेक हो जाता है आपसे गलती, तो आपको UPI पिन नहीं मांगेगा गाइज, UPI पिन नहीं मांगना चाहिए। अगर UPI पिन मांग रहा है वहाँ पे तो समझ लेना कि आपका जो पेमेंट होने वाला है तो UPI पिन नहीं लगाना है, वहाँ से आप उसको हटा सकते हैं या किसी और के पास में जाके उसको हटा सकते हैं, उससे सीख सकते हैं कि भैया इसको कैसे हटाते हैं, ठीक है गाइज। अगर आप मुझे कमेंट करेंगे तो बेशक अगली बार जैसे आएगा मैं आप लोगों को बताएंगे किस प्रकार से वहाँ पे जो फोन पे के अंदर जो नोटिफिकेशन आता है उसको कैसे हटाए रिंग पे एप्लीकेशन का। सो गाइज मैं आपको सबसे पहले ये बता देना चाहता हूँ कि किसी प्रकार का आपका पेमेंट नहीं कटने वाला विदाउट आपकी परमिशन। अगर आप परमिशन से अगर फोन पे के अंदर कुछ कन्फर्म कर देते हैं, बाय द मिस्टेक गलती से UPI पिन लगा के ट्रांजेक्शन करते हैं तो गाइज पैसा कट जाएगा आपका।
सो आपको इस प्रकार के फ्रॉड से बीवेयर रहना है, दूर रहना है। और किन किन लोगों ने इनका पेमेंट कर दिया बाय द मिस्टेक फ़ोनपे के अंदर नोटिफिकेशन आने के बाद में यूपीआई पिन लगा के, वो मुझे कमेंट करें। और आप लोगों ने किस किस एप्लीकेशन से लोन ले रखा है मुझे ज़रूर कमेंट करें, उसके बारे में मैं वीडियो ज़रूर बनाऊँगा।